हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटेक हिमाचल। ये है आपका पार्ट फोर ऑफ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022। हमारे पार्ट थ्री ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसका लिंक आपको टॉप पे मिल जाएगा। इस पार्ट में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 7, चैप्टर 11 और चैप्टर 12। आज हम कवरअप करेंगे चैप्टर 7 को, और 11 और 12th चैप्टर आपको फ्राइडे को मिल जाएगा। तो जो चैप्टर 7 है वो है आपका रिलेटेड एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड एलाइड सेक्टर से रिलेटेड है। ये चैप्टर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। और आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से रिलेटेड। सो जो भी इसके फैक्ट्स हैं, जो भी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दूँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो जो हिमाचल प्रदेश का 89.96% जो पॉपुलेशन है वो आपकी रहती है रूरल एरिया में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कितना परसेंट जो पॉपुलेशन है हिमाचल में वो रूरल एरिया में रहता है। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 89.96%, अराउंड 90% जो पॉपुलेशन है आपकी वो रहती है रूरल एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्रीकल्चर और जो हॉर्टिकल्चर है, ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है अबाउट 70% ऑफ टोटल वर्कर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो 70 जो परसेंट आपकी एम्प्लॉयमेंट है वो किसके थ्रू आ रही है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कि आपको पता है जो हिमाचल का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, जो कि आपका 55.67 लाख हेक्टेयर है, उसका जो 9.4 लाख हेक्टेयर है वो एरिया अंडर है ऑपरेशनल होल्डिंग के। ऑपरेशनल होल्डिंग मतलब जहाँ पे खेती बाड़ी होती है। ठीक है, तो वो सिर्फ 9.44 लाख हेक्टेयर ऑपरेशन होल्डिंग के अंडर है, और जो उस पर ऑपरेट करते हैं फार्मर, जो फार्मर्स है वो है आपके 9.97 लाख फार्मर इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज जो होल्डिंग हुई, एवरेज होल्डिंग हुई आपकी 0.95 हेक्टेयर। ठीक है, तो ये जो भी फैक्ट्स हैं लर्न करने हैं, याद करने हैं, इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट, अगर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग की बात करूं कि इसमें कैटेगरी ऑफ फार्मर्स है। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर मेंस में भी ये क्वेश्चन आया था कि जो आपके फार्मर्स की कैटेगरी है उनको कैसे किया गया हुआ है। ठीक है, तो जो कैटेगरी है फार्मर्स की वो आपके मार्जिनल फार्मर्स है। ठीक है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड है। ठीक है, स्मॉल जिनके पास 1 to 2 हेक्टेयर है, सेमी मीडियम 2 to 4, मीडियम 4 to 10, और लार्ज फार्मर जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है उनको लार्ज फार्मर की कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, तो ये सब स्टेट्स का डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो हिमाचल का जो है वो इस तरह से है। ठीक है, ये जो टेबल है मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है आपका इस चैप्टर का। इसमें नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि जो नंबर ऑफ होल्डिंग है, अब जो मार्जिनल कैटेगरी के फार्मर है उनके पास कितनी नंबर ऑफ होल्डिंग है, वो है आपकी 71.41%। जो ये आपके ये परसेंट है, जैसे स्मॉल के लिए 17.45 है, मीडियम के लिए 8.23% है। ठीक है, तो ये आपको लर्न करनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग कि किसके पास कितनी लैंड है। नेक्स्ट, जो प्रीलियम्स में पूछा जाता है, प्रीलियम्स में आपसे इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है और इनको मिक्स करके भी पूछा जा सकता है, जैसे कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ठीक है, तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के पास कितनी नंबर ऑफ होल्डिंग है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो स्मॉल और मार्जिनल है उन दोनों को प्लस कर देना है, तो वो है आपकी 88.86%। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि सेमी मीडियम एंड मीडियम फार्मर, तो सेमी मीडियम और मीडियम दोनों की पूछी है। प्रीलिम्स में मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि आपको इंडिविजुअल की ना पूछ के 2 कैटेगरी ऑफ फार्मर की नंबर ऑफ होल्डिंग को पूछते कि कितनी परसेंट है। ठीक है, तो अगर सेमी मीडियम और मीडियम फार्मर्स की बात करूँ तो कितनी है, 10.84। ठीक है, तो 8 + 2 मिला के क्या हुआ, 10.84% आपकी सेमी मीडियम एंड मीडियम फार्मर्स की। और हमारे पास सिर्फ जो लार्ज फार्मर है वो कितने हैं, 0.30% है, जो कि जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा
होल्डिंग है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो कुछ फैक्ट्स है, ठीक है, कुछ नंबर्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एग्रो क्लाइमेटिक जोन की, तो हिमाचल का जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसको 4 जोन में डिवाइड करा गया है, जिसमें आपके है सब ट्रॉपिकल, सब माउंटेन एंड लो हिल्स, सब टेम्परेट, सब ह्यूमिड एंड मिड हिल्स, वेट टेम्परेट हाई हिल एंड ड्राई टेम्परेट हाई हिल एंड कोल्ड डेजर्ट, जो कि आपका लाहौल स्पीति और किन्नौर वाला जो एरिया है, ठीक है। अब जो एग्रो क्लाइमेटिकली जो ये 4 जोन में जो डिवाइड करा है, तो हमारे पास वेराइटीज़ है, ठीक है, क्रॉप्स की वेराइटीज़ है, क्योंकि सिट्रस फ्रूट से लेकर आपके ड्राई फ्रूट्स तक आपको हिमाचल में सारे के सारे फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। अगर क्रॉप्स की अदर क्रॉप्स की बात करें, ठीक है, जो पोटैटोज़ है, ठीक है, वो आपको लाहौल स्पीति में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो लार्ज वेराइटी है हिमाचल में, ये किसके कारण है, क्योंकि हिमाचल में क्या है, डिफरेंट क्लाइमेट है, जो कि आपका शिवालिक वाला एरिया है वहाँ पे आपको गर्मी देखने को मिलेगी, और वैसे ही अगर आप धीरे धीरे करके लेसर हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस की तरफ जाओगे, तो आप जो टेम्परेचर है वो डाउन होता रहेगा, और उसके अकॉर्डिंगली ही हमारी जो क्रॉप्स है वो भी उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, ओके। सो जो 80% अबाउट 80% जो टोटल कल्टिवेटेड एरिया है हिमाचल का, वो रेन फेड है, मींस कि ये बारिश पे डिपेंड करता है। तो ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा था कि कितना परसेंट जो एरिया है टोटल कल्टिवेटेड एरिया है स्टेट का जो रेन फेड है, तो वो आपका 80% एरिया है। नेक्स्ट जो राइस, वीट और मेज है, राइस, वीट और मेज आपकी इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स है स्टेट की। नेक्स्ट जो कुछ खरीफ एंड कुछ रबी क्रॉप्स हैं, जैसे कि खरीफ में आपके पास ग्राउंडनट, सोयाबीन, सन फ्लावर, ठीक है, उड़द, मूंग, ये सब आपकी खरीफ क्रॉप्स होती है, जो कि आपके मॉनसून पे डिपेंड करती हैं। और रबी क्रॉप्स तोरिया, ग्राम, ये सारी की सारी आपकी रबी क्रॉप्स हैं। जैद क्रॉप भी होती है, जिसमें पम्पकिंस, खीरा एंड ऑल, और जो इन दोनों के बीच में उगाते हैं लोग, ठीक है। तो ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में गिवन है, और कभी एग्जाम में पूछा जाए तो आप इनको थोड़ा बहुत ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं मॉनसून सीजन की बात करूँ 2021 की, तो जो स्टेट है, स्टेट का जो एवरेज रेनफॉल है, जो स्टेट का एवरेज रेनफॉल है, वो है आपका 1251 मिलीमीटर। अगेन इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है ये नंबर, कि जो एवरेज रेनफॉल है दैट इज़ योर 1251 मिलीमीटर। और जो कांगड़ा है, कांगड़ा में आपके पास हाईएस्ट रेनफॉल होता है, फॉलोड बाय चंबा, सिरमौर एंड मंडी, ठीक है। ये आपको इकोनॉमिक, हर अगर प्रीवियस ईयर का इकोनॉमिक सर्वे भी आप देखोगे तो ये आपको सेम लाइंस ही देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इस साल के मॉनसून सीजन की बात करें, तो हमारे पास IMD की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, एक्सेस जो बारिश हुई है, वो हुई है कुल्लू में, और जो कम बारिश हुई है चंबा में, और ना के बराबर जो बारिश हुई है वो हुई है लाहौल एंड स्पीति में, ठीक है। और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे नॉर्मल बारिश हुई है, ठीक है। अब इसका पता हमें कैसे चलता है, तो अगर हमारे पास -19% to 19% के बीच में बारिश होती है, उसको हम मानते हैं नॉर्मल, ठीक है। अगर 20% से ऊपर या फिर 20% से ज़्यादा बारिश होती है, उसको माना जाता है एक्सेस। तो जैसे कुल्लू है, तो जो कुल्लू में आपकी 40% रेनफॉल हुआ है, इट मींस कि एक्सेस रेनफॉल हुआ है, ठीक है। और अगर मैं चंबा की बात करूँ, जहाँ पे आपकी बारिश कम हुई है, वहाँ पे कम होने का मतलब है कि आपका 20% से -20% से अगर आपकी बारिश कम होती है, तो वो माना जाता है डेफिशिएंट, मींस चंबा में आपकी -44 हुई है, इट मींस कि चंबा में आपकी बारिश कम हुई है। और अगर -60% से कम आपकी का रेनफॉल होता है, तो उसको माना जाता है स्कैंटी। तो अगर लाहौल एंड स्पीति की मैं बात करूं, तो वहां पे आपकी -69 है, इट मींस कि -60 से कम रेनफॉल हुआ है, तो वो आपका आएगा स्कैंटी कैटेगरी में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इस साल जो एक्सेस रेनफॉल हुआ है, वो हुआ है आपका कुल्लू में, और डेफिशिएंट हुआ है आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में, ओके। नेक्स्ट अगर मैं क्रॉप परफॉर्मेंस की बात करूँ 2020 और 2021 की, तो इसमें आपको प्रोडक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना हुआ है, ठीक है। 2019 और 2020 में है 15, 19, 4,
1594 और एस्टिमेटेड है 2020-21 का 1522, जो ये है आपका मीट्रिक टन में। बेसिकली इतना याद नहीं रहता है, तो अगर याद रहे तो भी ठीक है। हमें जस्ट ये देखना है कि जो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है उसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम इसकी ग्रोथ कैसे करें कि ग्रोथ जो है फूड ग्रेन का के प्रोडक्शन में कैसे करेंगे। जो हिमाचल प्रदेश है वो ऑलरेडी जिसका कल्टीवेटेड एरिया है वो अपनी पीक पे आ चुका है, ठीक है। अब हमारे पास ज़्यादा एक्स्ट्रा लैंड नहीं है, या तो फॉरेस्ट लैंड है या फिर किसी का प्राइवेट लैंड है जिस पे हम कल्टीवेशन कर सके। ऑलरेडी वो पीक पॉइंट पे आ चुका है कल्टीवेबल जो लैंड है। तो हमें क्या करना होगा कि कुछ और तरीके ढूंढने पड़ेंगे अपने क्रॉप्स को ज़्यादा अच्छे से मार्केट में उसकी वैल्यू हो। तो जैसे जो सरकार ने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसी स्कीम चला रखी है, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम चला रखे है, ठीक है, जिसके अंडर आपके पास 20 सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स है, 3 वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशंस है, 12 पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशंस है, 1 जिंजर डेवलपमेंट स्टेशंस है। तो जो इस तरह का ये डाटा होता है ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे के सारे आपके हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम्स हैं। और जो नेक्स्ट कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, जैसे प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम। तो प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम से ऑलरेडी पता चल रहा है कि ये आपका प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए है जो कि सरकार ने चलाया है, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फार्मर ऑफ बैकवर्ड एरिया और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर में जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल एंड इक्विपमेंट एट 50% कॉस्ट पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अंडर सरकार क्या दे रही है, उसमें आपको 50% कॉस्ट दे रही है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड एरियाज के जो फार्मर्स हैं और जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। नेक्स्ट जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो स्विच कर रहा है केमिकल से बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड पेस्ट की साइड, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी सॉयल टेस्टिंग प्रोग्राम है ये अगेन इम्पॉर्टेंट स्कीम है। सॉयल टेस्टिंग प्रोग्राम के अंडर क्या है, इसमें जो हमें जो सॉयल की फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम चलाई है जिसका नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बेसिस पे चलाई है, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, सैंपल्स लिए जाएंगे सॉयल के और उनको जीपीएस टैगिंग होगी उनकी। इसका ये मतलब है कि मैन्युअली जाके जो सर्वे करने वाले लोग होते हैं वो सर्वे करेंगे सॉइल का, और जिस एरिया का सर्वे हो जाएगा उसको उसकी जीपीएस टैगिंग कर लेंगे, ठीक है। अब जो ये सॉइल टेस्टिंग सर्विस है ये आपकी इंक्लूडेड है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 के अंदर, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट यही लाइन आई थी कि कौन सी सर्विस आपकी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 के अंडर आती है, तो आपकी सॉयल टेस्टिंग सर्विसेज, ठीक है। इसके अंडर क्या है, सॉयल हेल्थ कार्ड बनवाए जाएंगे फार्मर्स के, जिसके अंदर उनकी जो सॉयल की जो भी स्थिति है उनकी सॉयल्स की उसको मेंटेन करके रखा जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए सरकार ने 11 सॉयल टेस्टिंग लैब बना रखी है एक्सेप्ट लाहौल एंड स्पीति, और 10 मोबाइल लैब्स है और 47 आपकी मिनी लैब्स है, ठीक है। जो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस है कि कहाँ पर सॉयल टेस्टिंग लैब नहीं है, तो वो आपकी लाहौल एंड स्पीति में नहीं है, ठीक है। तो ये जो कुछ इस तरह के फैक्ट्स है प्रीलियम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कुछ और इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, जैसे कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना अंडर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। आपको स्कीम देख के ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसको डाउन करना है, केमिकल फर्टिलाइजर और जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है उसको डिस्करेज करना है, ठीक है। उसकी जगह पे हमें क्या करना है, बायो पेस्टिसाइड्स और बायो इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना है, ठीक है। और इसके लिए 20 करोड़ का बजट रखा है सरकार ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना अंडर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो आपको 2-3 पॉइंट इसके याद रखने हैं। नेक्स्ट एग्रीकल्चर मार्केट की अगर मैं बात करूं, तो एग्रीकल्चर जो मार्केट है इसमें क्या है, फॉर द रेगुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस,
ठीक है, इन द स्टेट कि जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस के रेगुलेशन के लिए हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट को इन्फोर्स किया गया है और हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड को इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो ये आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर क्या है। एक तो आपका हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट 2005 को इन्फोर्स किया गया है और दूसरा हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड को इस्टेब्लिश किया गया है। इसके अंदर 10 नोटिफाइड मार्केट एरियाज है, ठीक है, और एक मॉडर्नाइज मार्केट कॉम्प्लेक्स जो कि आपका सोलन में फंक्शनल है। ठीक है, 10 मार्केट कमिटीज भी फंक्शनिंग है और जो मार्केट की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए जो मीडियाज है वो ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन हो गया, इंटरनेट के थ्रू वो फार्मर्स तक पहुंचाई जाती है। और 19 होलसेल मार्केट, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ई नाम के अंडर इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर कितनी होलसेल मार्केट है, तो वो आपकी 19 होलसेल मार्केट जो है वो आपकी ई नाम के अंडर आती है। तो ये आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ डेटा है। नेक्स्ट अगर मैं टीड डेवलपमेंट की बात करूं तो टीड डेवलपमेंट के अंडर आपका जो एरिया है टी कल्टिवेशन के अंडर वो है आपका 2310.71 हेक्टेयर। ठीक है, 2310.71 हेक्टेयर पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है कि कितना एरिया आपका टी की कल्टीवेशन के अंडर है। ठीक है, नेक्स्ट कि प्रोडक्शन लेवल कितना है, तो 11.45 लाख किलोग्राम जो आपका 2020 और 21 में हुआ है। नेक्स्ट जो स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर है इनको 50% सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, टी कल्टीवेशन के अंडर, और जो टी है आपकी वो आपकी मेनली कांगड़ा मंडी और चंबा में कल्टीवेट की जाती है। ठीक है, तो अगर मैं टी की बात करूं तो जो इसकी हिस्ट्री है तो 1849 में जो डॉक्टर जेम्सन थे उन्होंने टी की प्लांटेशन करी थी आपकी कांगड़ा में। ठीक है, डॉक्टर जेम्सन ने, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किसने सबसे पहले हिमाचल में टी को लाया था, तो वह डॉक्टर जेम्सन इन 1849। नेक्स्ट कुछ और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है जैसे मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना। ठीक है, तो नूतन पॉली हाउस योजना के अंडर क्या है, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि कितना परसेंट सब्सिडी दिया जा रहा है, तो 85% जो सब्सिडी है वो नूतन पॉली हाउस योजना के अंडर दी जा रही है। तो पॉली हाउस के अंडर आपको 85% सब्सिडी दी जा रही है। इसमें जो एरिया कवर हो रहा है वो 100 हेक्टेयर इन द स्टेट एंड 5000 पॉली हाउस को कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, तो जो पॉली हाउस योजना के अंडर इम्पॉर्टेंट है कितनी परसेंट सब्सिडी, 85% सब्सिडी। नेक्स्ट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर जो मेन फोकस है वो आपका हर खेत को पानी। ठीक है, हर खेत को पानी पे रहेगा, माइक्रो इरीगेशन प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। ठीक है, एंड टू एंड इरीगेशन सॉल्यूशन दिए जाएंगे। तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर के कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव और है जैसे जल से कृषि को बल, जल से कृषि को बल योजना में क्या है कि चेक डैम एंड पॉन्ड्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। चेक डैम एंड पॉन्ड्स विल बी कंस्ट्रक्टेड। इसमें अगर कम्युनिटी बेस्ड कोई पॉन्ड बनाता है तो उसको 100% एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो ये है आपका जल से कृषि को बल योजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना। कृषि कोष योजना के अंडर अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना के थ्रू आपको मिलेगी, जिसमें बजट प्रोविजन रखा है 5 करोड़ का इस साल। प्रीवियस ईयर ये 20 करोड़ था। ठीक है, जैसे जो पैकेजिंग एंड ग्रेडिंग मशीन्स होती है, गोडाउन्स बनाने हैं, तो उसके लिए जो भी असिस्टेंट है वो आपको मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना के थ्रू मिलेगा। नेक्स्ट कृषि उत्पादन संरक्षण योजना जो एंटी हिल नेट है। ठीक है, इसमें आपको पहले सब्सिडी, जो सब्सिडी है 80% सब्सिडी दी जाएगी, और जो आपका पॉली हाउस था पॉली हाउस में 85% सब्सिडी है, और जो आपका एंटी हिल नेट है उसमें आपको 80% सब्सिडी दी जाएगी। इसमें एंटी हिल नेट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फ्रॉम नेचुरल क्लाइमेटी जैसे कि हेल स्टॉर्म हो गया, एनिमल्स से बचाने के लिए।
ठीक है, तो इसमें जो सब्सिडी मिलेगी फार्मर्स को वो 80% सब्सिडी मिलेगी। जो भी हमारे ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, ये सारे के सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव इकोनॉमिक सर्वे में गिवन है, और जो हमारे इकोनॉमी के लेक्चर्स है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आपको ये सारे के सारे डिटेल में वीडियोस मिलेंगे। हर एक स्कीम को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, तो आप वहाँ पे जाके भी ये स्कीम्स को पढ़ सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर की अगर मैं बात करूँ, तो जो हिमाचल है वो क्या शिफ्ट कर रहा है, जो शिफ्टिंग ऑफ लैंड यूज पैटर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर टू फ्रूट क्रॉप कुछ डिकेड से, मतलब कि फ्रूट की तरफ ज़्यादा डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जो इस टेबल से हमें पता चल रहा है कि जो फ्रूट के अंडर एरिया है 1961 में कितना था, 3025 हेक्टेयर था, लेकिन अगर मैं 2020-21 की बात करूँ तो वो बढ़ के हो गया है 2,34,779 हेक्टेयर। तो बहुत ज़्यादा जो एरिया है वो आपका फ्रूट की हॉर्टिकल्चर की कल्टीवेशन के अंदर आ गया है। और वैसे ही टेम्परेट फ्रूट्स की अगर बात करूँ, या फिर नट एंड ड्राई फ्रूट, सिट्रस फ्रूट, तो सब में ही जो आपका एरिया है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इससे कि जो एप्पल है, एप्पल आपका कॉन्स्टिट्यूट करता है 49% ऑफ द टोटल एरिया अंडर फ्रूट क्रॉप्स। ठीक है, तो जो एप्पल ही एप्पल है ये आपका 49% कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो कि टोटल एरिया है आपके फ्रूट के, फ्रूट क्रॉप का, और जो अबाउट 85% ऑफ द टोटल फ्रूट प्रोडक्शन का, टोटल फ्रूट प्रोडक्शन का 85% ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो दोनों ही जो फैक्ट्स हैं आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब जो एरिया है अंडर एप्पल हैज़ इंक्रीज, देखो 1951 में जो एप्पल के अंडर एरिया था वो आपका 400 हेक्टेयर था, जो कि 2021 में बढ़कर 1,14,646 हेक्टेयर हुआ है। ठीक है, तो ये जो एप्पल से रिलेटेड आपका डाटा है, इम्पॉर्टेंट डाटा है, आपको ये याद रखना होगा, खासकर ये दो पॉइंट्स कि कितना एरिया है 49% और कितना प्रोडक्शन है टोटल अबाउट 85%। नेक्स्ट अगर मैं हॉर्टिकल्चर के डाइवर्सिफिकेशन की बात करूँ, तो जो हॉर्टिकल्चर है उसमें आपको एंसिलरी हॉर्टिकल्चर जैसे कि मशरूम, बी कीपिंग, हॉप्स, फ्लावर कल्टीवेशन, ये सब देखने को मिलेगा। तो जो फ्लावर कल्टीवेशन के अंडर आपका जो टोटल एरिया है वो है आपका 373.57 हेक्टेयर। अगेन इम्पॉर्टेंट कि 373.57 हेक्टेयर जो एरिया है आपका वो फ्लावर कल्टीवेशन के अंडर है, और फ्लावर कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए दो टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करी गई है, जो कि आपकी है मॉडल फ्लावर कल्टीवेशन सेंटर एट माओबाग, जो कि आपका चायल में है सोलन में, और दूसरी है पालमपुर कांगड़ा में। तो आपको जो दो टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज है ये आपके कहाँ कहाँ हैं, चायल में है और आपके कहाँ हैं, पालमपुर में है। अब नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 10 फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, 10 फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी फंक्शनिंग है आपकी। ठीक है, किसके लिए, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स के लिए। ठीक है, बस यही याद रखना है कि कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, तो वो 10 हैं। नेक्स्ट, हिमाचल खुम्भ विकास योजना, खुम्भ मतलब मशरूम, ठीक है, तो इसके अंडर 168 यूनिट्स है आपकी। और जो हिमाचल पुष्प क्रांति योजना, इस स्कीम के अंडर क्या है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी स्किल्ड और अनस्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को, किसके लिए, प्रमोटिंग कमर्शियल फ्लोरिकल्चर फार्मिंग इन द स्टेट। तो ये जो स्कीम्स है इसको आपको ध्यान रखना है कि पुष्प क्रांति किसके लिए है, ये भी आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा था, तो ये आपको एम्प्लॉयमेंट देगा स्किल्ड और अनस्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को। ठीक है, हिमाचल खुम्भ विकास के अंदर कितने यूनिट्स है, 168 यूनिट्स। तो ये कुछ जो फैक्ट्स है ये आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखने हैं। जैसे कुछ और इनिशिएटिव है, मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, ठीक है, कृषि उत्पादन संरक्षण योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम। तो ये सारी की सारी स्कीम मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका डिटेल में वीडियोस है। जैसे कि मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना में क्या है, इसमें आपको 80% सब्सिडी मिलती है, ठीक है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। ठीक है, इस स्कीम के अंडर क्या है,
इस स्कीम के अंडर ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, ठीक है, जिसमें कि 55% सब्सिडी है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को वो सेंटर देती है, और जो 25% है वो आपको स्टेट देती है। तो टोटल 80% सब्सिडी मिलती है किस पे, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये जो स्कीम है इसमें माइक्रो इरिगेशन से रिलेटेड ये स्कीम है, ठीक है। नेक्स्ट जो भी ये और इनिशिएटिव्स हैं ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हमारे जो इकोनॉमी है हिमाचल प्रदेश के यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आपको डिटेल में इसकी वीडियोस मिल जाएगी। कुछ और जैसे HPMC जो है हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है, तो इसका क्या काम है, मार्केटिंग करना, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल की मार्केटिंग करना, ठीक है। इसके अंडर क्या है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर कभी जो फ्रूट की या वेजिटेबल की सरप्लस प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स है, तो जो स्टेट है वो एक सपोर्ट प्राइस रखता है, वो जो गवर्नमेंट है वो उसे खरीद लेती है, जो भी उनका उन्होंने प्राइस रखा होता है, ठीक है। तो इस तरह से फार्मर्स को ज़्यादा की ज़्यादा तकलीफ ना हो, ठीक है। इसके अंडर हमें जो मेन पॉइंट्स है प्रीलिम्स के लिए याद रखने हैं वो है 5 कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर, जिसको हम कोल्ड स्टोर बोलते हैं, वो आपके कहाँ कहाँ पर है, शिमला एंड कुल्लू में, जैसे कि जरोल टिक्कर जो कि आपका कोटगढ़ में है, ठीक है, गुम्मा कोटखाई में, और ओडी कुमारसिन रोडू, यहाँ पर आपके क्या है, कोल्ड स्टोर ओपन हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो एप्पल जूस कंसनट्रेट प्लांट है वो आपका परमाणु में है, ठीक है। इस तरह से फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट है जो कि आपका जरोल सुंदरनगर में है। तो इस ये जो डेटा है ये आपको प्रीलिम्स के लिए याद करना है, ठीक है। इसी तरह से और भी कोल्ड स्टोर है जो कि आपके जरोल टिक्कर जो आपका कोटगढ़ में है, गुम्मा रोडू, ये सारे के सारे शिमला में ओपन हुए हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी इनकी बढ़ाई गई है। नेक्स्ट अगर मैं एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी की बात करूं तो जो एनिमल हस्बेंड्री है वो हिमाचल की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट करती है, ठीक है। अब रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक जो है वो एक इंटीग्रल कंपोनेंट है रूरल इकोनॉमी का, ठीक है। लाइव स्टॉक से हमारा मतलब होता है एनिमल, जैसे शीप है, काउ है, जिनसे हमें जैसे हमारी इकॉनमी बूस्ट होती है, ठीक है। जैसे कि काउ है जिससे हमें मिल्क मिलता है, शीप है, वूल मिलती है, तो इस तरह से जो मिल्क का प्रोडक्शन है 2020-21 में वो है 15.76 लाख टन, ठीक है। और कुछ एनिमल हस्बेंड्री के लिए उनको उनके एनिमल हेल्थ के लिए उनके डिजीज कंट्रोल जो कुछ प्रोग्राम सरकार चलाती है, जिसके लिए वेटनरी हॉस्पिटल्स खोले गए हैं, जोनल हॉस्पिटल्स खोले गए हैं। तो ये कुछ डेटाज है जो कि फैक्ट बेस्ड है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग में ही अगर शीप ब्रीडिंग फार्म, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो शीप ब्रीडिंग फार्म्स है वो आपके कहाँ कहाँ पर है, मैच करने के लिए आते हैं। जैसे कड़छम में शीप आपका शीप ब्रीडिंग फार्म है जो कि कड़छम किन्नौर में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ज्यूरी जो शिमला में है, नेक्स्ट ताल जो कि हमीरपुर में, एक और भी है सरोल जो आपको इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन नहीं है, सरोल वो आपका चंबा में है। तो ये आपके 4 शीप ब्रीडिंग फार्म्स हैं, तो ये कभी मैच करने के लिए आता है कि कड़छम कहाँ पर है, ठीक है। तो कड़छम आपका किन्नौर में है, और ज्योरी शिमला में है, ताल हमीरपुर में है, और सरोल चंबा में है। आपको ये चारों ही याद करने हैं। नेक्स्ट 1 रैम सेंटर, ठीक है, जो कि आपका निगवैन में है, और एंगोरा रैबिट फार्म जो कि आपका कंडवारी कांगड़ा और निगवैन मंडी में है, और हॉर्स ब्रीडिंग फार्म जो कि आपका लारी लाहौल स्पीति में है, और 1 याक ब्रीडिंग फार्म जो कि आपका लारी लाहौल स्पीति में ही है। ये फैक्ट है, फैक्चुअल डाटा है, आपको ऐसे ही लर्न करना है, इससे क्वेश्चन बन जाता है प्रीलिम्स में, ठीक है। अब राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन में क्या है कि इसमें हमें जो मिल्क की प्रोडक्शन है उसको इन्हांस करना है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से, ब्रीफली मैं आपको ये बताने की कोशिश करती हूँ कि इसमें क्या है। इसमें इस्टेब्लिश किया गया है मुरा ब्रीडिंग फार्म, ये जो मुरा बुफेलो ब्रीडिंग फार्म इस्टेब्लिश किया गया है ये आपका ऊना में किया गया है, और गोकुल ग्राम जो कि आपका अगेन ऊना में बनाया है, और नेशनल वाइल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन स्कीम भी इसकी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर आती है, और प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है,
और इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रॉय ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक जिसको ETT भी बोला जाता है अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये है आपका कंजर्वेशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ साहीवाल एंड रेड सिंधी जो कि हमारी इंडिजीनियस ब्रीड है, इनकी कंजर्वेशन के लिए जो ये ETT टेक्निक है, ये आपकी जो पालनपुर में आपका ETT जो सेंटर है, ठीक है, यहाँ पर इन ब्रीड को कंजर्व करने के लिए ये स्कीम राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर लाई है। और नेक्स्ट आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कम ट्रेनिंग सेंटर जो कि फिर से आपका ऊना में इस्टेब्लिश किया गया है। तो जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है इसका भी डिटेल वीडियो आपको इकोनॉमी वाले पोर्शन में मिल जाएगा, ये जस्ट ब्रीफ है कि गोकुल ग्राम कहाँ पे बना है, ऊना में बना है, या फिर मुमरा बुफेलो ब्रीडिंग फार्म कहाँ पे है, ऊना में है, ठीक है। तो मैक्सिमम ये ऊना में ही जो इनके फार्म्स है वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। नेक्स्ट फिशरी एंड एक्वा कल्चर की अगर बात करूँ तो जो आपकी रिवर्स है जैसे ब्यास है, सतलुज है, रावी है, ठीक है, ये इसमें आपके आपकी कोल्ड फिश जो कोल्ड वाटर फिश है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जैसे कि शिंजोथ्रॉक्स, गोल्डन महसीर, ट्रॉट्स, ये सारी की सारी फिश के नेम्स है जो कि आपको इन सब रिवर्स में देखने को मिलेगी, इनकी स्ट्रीम्स में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब जो कोल्ड वाटर जो रिसोर्सेज है ऑफ द स्टेट उसको किस किसके हेल्प से इसको कंप्लीट किया गया है, तो वो आपको कंप्लीट किया गया है इंडो नॉर्वेन ट्रॉट फार्मिंग, इंडो नॉर्वेन नॉर्वेन की वजह से जो नॉर्वेन ट्रॉट फार्मिंग प्रोजेक्ट की हेल्प से इसको कंप्लीट किया गया है। नेक्स्ट अब ये जो स्कीम है इंश्योरेंस एंड वेलफेयर स्कीम्स जो कि फिशरमैन के लिए लेके आई है सरकार, तो जो फिशरमैन आर कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, इनको इस इंश्योरेंस स्कीम के अंडर लाया गया है और इनको 5 लाख दिए जाएंगे कि अगर डेथ हो जाती है या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है और कोई लॉस हो जाता है उनके गियर और क्राफ्ट्स का, तो जो फिशरमैन है उनको इंश्योरेंस स्कीम के अंडर 5 लाख रुपीस दिए जाएंगे जो कि आपके बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 50% अंडर रिस्क फंड स्कीम के अंडर। नेक्स्ट है जो सेविंग कम रिलीफ फंड स्कीम है, सेविंग कम रिलीफ फंड स्कीम है उसको रीनेम कर दिया है लाइवलीहुड एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एक्टिव ट्रेडिशनल फिशर फैमिली फॉर कंजर्वेशन ऑफ फिशरीज रिसोर्स ड्यूरिंग फिशिंग बैन लीन पीरियड अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। तो जो ये इतना बड़ा सा नाम है ये आपका रिनेम हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रॉट लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम, ये एक नई स्कीम है जिसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू लाइव स्टॉक ऑफ कोल्ड वाटर फिश फार्मर ऑफ द स्टेट। इसका क्या काम है कि जो लाइव स्टॉक ऑफ कोल्ड वाटर फिश फार्मर ऑफ द स्टेट को इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करवाना, ठीक है। अब जो इसका स्टेट गवर्नमेंट और जो बेनिफिशियरी के बीच में शेयर रहेगा वो आपका 65 और 35 का रहेगा, ठीक है। जो 65 है वो गवर्नमेंट का रहेगा और जो बेनिफिशियरी का वो 35 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूँ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको इसे डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो जो फॉरेस्ट है, जो ये पूरी स्लाइड है इसका हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश का जो फॉरेस्ट कवर है वो आपका 37,947 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। ये आपका फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, लर्न करना है। अब कितना परसेंट, 68.16% टोटल ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो आपका अकाउंट करता है, ठीक है। और जो अभी प्रेजेंटली जो 28.60% जो एरिया है टोटल ज्योग्राफी का वो आपका सपोर्ट करता है फॉरेस्ट कवर, ठीक है। और जो हमारा जो SDG गोल है वो है हमारा 30%, तो हम ऑलरेडी 28.60% को अचीव कर चुके हैं और 2030 तक हमें 30% लेकर आना है, ओके। तो ये जो डेटा है फॉरेस्ट रिलेटेड आपको लर्न करना है कि कितना परसेंटेज आपका जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है अकाउंट करता है हिमाचल प्रदेश, वो करता है 68.16%, और प्रेजेंटली जो फॉरेस्ट कवर है वो आपका 28.60% है और हमें 2030 तक कितना करना है, 30% अचीव करना है। नेक्स्ट अगर फॉरेस्ट प्लांटेशन की मैं बात करूँ तो कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं
जैसे कि कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जिसको कैंपा बोला जाता है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, और सांझी वन योजना, ठीक है, जो ये सारी स्कीम्स है, ये है फॉरेस्ट की प्लांटेशन के लिए जो सरकार ने चला रखी है, ठीक है। तो ये सारी आपको ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से स्कीम्स है जो कि गवर्नमेंट ने चला रखी है फॉरेस्ट की प्लांटेशन के लिए, ठीक है। अगेन एक्सपेरिमेंटल बेस पे ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हिमाचल के जो फॉरेस्ट है वहाँ उनको अलाउ करा है कि जो खैर है, चील है और साल है, इन पेड़ों को जो लोग हैं वो काट सकते हैं, लेकिन कहाँ पर, इसके लिए थ्री रेंजेस हैं, नूरपुर रेंज, भराड़ी रेंज और पोंटा रेंज, ठीक है। नूरपुर रेंज जो आपकी कांगड़ा वाली, भराड़ी रेंज बिलासपुर, और पोंटा साहिब जो आपकी सिरमौर वाली रेंज है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट बेस पर आप इन जो खैर, चील और साल के ट्रीज हैं इनको कट कर सकते हो, क्योंकि जो फॉरेस्ट वेल्थ है हिमाचल प्रदेश का वो मोर देन 1.5 लाख करोड़ है। तो ये अभी एक्सपेरिमेंट बेस पे है, और इसको किसने अलाउ करा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अब कुछ न्यू स्कीम्स है जो कि कंजर्वेशन के लिए है, फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए है, ठीक है। जैसे कि सामुदायिक वन संवर्धन योजना, ठीक है, इसमें क्या, सामुदायिक वन मतलब कि कम्युनिटी को, हमें जो भी कम्युनिटी है उनको अवेयर करना है फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, कि वो इन्वायरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और वन समृद्धि जन समृद्धि योजना, एक बूटा बेटी के नाम, स्वर्णिम वाटिका और जल भंडारण स्कीम, ठीक है। स्वर्णिम वाटिका में आपके पास 68 जो वाटिकाज है ये आपकी अभी तैयार हो गई है। जल भंडारण जो स्कीम है, जल भंडारण स्कीम में भी आपके पास 120 प्लेसेस पर कुछ डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। जैसे एक बूटा बेटी के नाम की, अगर कोई गर्ल चाइल्ड होती है तो उसी के नाम पे एक पेड़ को भी लगा लो, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो स्कीम्स है, इस स्कीम्स में लोकल कम्युनिटी को, स्टूडेंट्स को, जनरल पब्लिक को इम्पोर्टेंस बतानी है फॉरेस्ट की, और उनका जो रोल है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में, ठीक है, और फॉर सस्टेनेबल हार्वेस्ट हैंडलिंग एंड वैल्यू एडिशन, ठीक है, वैल्यू एडिशन। तो ये सारी जो स्कीम है ये आपकी कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं ओवरव्यू ऑफ एग्रीकल्चर एंड एराइड सेक्टर की बात करूँ, तो वो अगर कंपेयर किया जाए 2016-17 से, ठीक है, वहाँ यहाँ पे आपका जो ग्रोथ था इन जीवीए ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर वो -3.9 था, जो कि 2021-22 में 8.7 है, ठीक है। तो आपको इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी, कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है। तो लास्ट ईयर तो ये -12.0 था, इवन 2019 और 20 में 15.8 था। तो ये आपको इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। तो ये जो आप आज का जो ये चैप्टर 7 था, ये जस्ट ब्रीफ था, ठीक है, ये जस्ट एक समरी थी कि आपको क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे इसका जो डिटेल है, हर एक स्कीम को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जो कि आपको इकॉनमी में देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश की जो इकॉनमी है हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप आपको चैप्टर 7 का कुछ समरी जो मैंने आपको बताया कुछ समझ आया होगा। एंड जो चैप्टर 11 और चैप्टर 12 है वो उसकी वीडियो आपको फ्राइडे को मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइज़।